अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै ददालयै कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तन्मे माम शरणागतिके। सर्वप्रथम अपने में परमाराध्यतम नित्यलीला प्रविष्ट ओं विष्णु पासी श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि बार दंडवत श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओं विष्णुपाल श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणति श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। त्रिदंडी पादगण सज्जन सज्जनी वैष्णव और वैष्णवी भक्ति के स्तर से भक्तों का स्तर बतलाता हुआ मैं बतला रहा था। प्रहलाद महाराज जी की भक्ति से अम्बरीश महाराज की भक्ति का तारतम्य अधिक श्रेष्ठ है और उनसे भी अम्बरीश जैसे भी हनुमान जी की है। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, कोई दूसरी संतति इत्यादि नहीं रहे, न स्त्री है, न धन रखते हैं, न संपत्ति है। सारी एनर्जी, सारा ध्यान, सारी ममता राम के चरणों में उनकी है। राम के लिए वो जीते मरते हैं। राम को भूख लगने पर वनवास के में समय किष्किंधा के बाद में भूख लगने पर फल संग्रह करके फल फूल मेवा कंद उनके चरणों में देते हैं और खिलाते हैं। प्यास लगने पर पानी खोज करके ला करके देते हैं। कभी कभी उनके वाहन होकर के कंधों पर बिठा करके जहाँ तहाँ ले जाते हैं। राम और रावण के युद्ध में अधिकांश या लक्ष्मण या श्री रामचंद्र जी के वाहन बनते थे। रामचंद्र जी सीता का पता लगाने के लिए उनके प्रभु की स्त्री भी चोरी हो जाती है और पता लगाने के लिए समुद्र लांग करके गए और लंका को जला कर भस्म कर दिया और सीता जी से कहा हमारे कंधे पर बैठिए, हम आपको ले चलते हैं। सीता जी ने कहा जी बेटा ऐसा नहीं, रामचंद्र खुद आए इसके वंश का ध्वंस करके तब हमको ले जाए, इसी में सब प्रकार से कल्याण है। इसके बाद में कभी रामचंद्र जी के सेनापति होते थे, अपने लंगूर से चारों तरफ से परकोटा बना करके और वही गेट पर स्वयं बैठे रहते। रामचंद्र जी को धूप से बचाने के लिए अपने पूछ से ही छत्र छाया कर देते। तरह तरह से संजी रामचंद्र और लक्ष्मण दोनों को शक्ति शैल में, लक्ष्मण जी के शक्ति शैल में रातों रात में गोबर वहां से हिमालय से संजीवनी पर्वत को ही उठा ले आए। वो वहां के वैद्य थे सुसेन वैद्य को घर समेत उठा कर लेकर के चले आए। इस प्रकार से सब समय सेवा करते थे। यहां तक कि एक समय भरत शत्रुघ्न और सीता जी ने लक्ष्मण जी ने चारों ने मिल करके ये विचार किया
ये हनुमान सारी सेवा ग्रहण कर लेता है रामचंद्र जी का, हमें कोई सेवा में लगने नहीं देता, इसलिए हम लोग सेवा को बांट ले। रात की सेवा सीता जी करेंगे और जो जितने काम है हम तीनों भाई संभाल लेंगे, इसको वहां पर घुसने नहीं देंगे। ठीक है, दूसरे दिन से कार्यक्रम के अनुसार में हनुमान जी को कोई सेवा नहीं दी गई। तो हनुमान जी रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए बोले इन लोगों से, जे भैया हम तो बिना उसकी सेवा के रह नहीं सकते, तो तुम लेके एक सेवा हमें दे दो जिसमें तुम लोगों का भी हर्ज नहीं होगा और मेरी भी सेवा चलती रहेगी। क्या? यदि राम को जम भाई आए तो मैं चुटकी बजाया करूं। भगवान में जम भाई आती नहीं कभी। उन लोगों ने सोचा भगवान राम को तो कभी आती नहीं है जम भाई, ठीक है जाओ तुम ये सेवा करो। अब ये घर के बाहर बैठ करके चुटकी बजाने लगे, कबरम जम भाई उनको आ जाए कोई ठीक नहीं, इसलिए पहले से ही चुटकी बजाने लगे और राम को जम भाई आने लग गई। अब सारी सेवा बंद हो गई, रामचंद्र जी का खाना पीना सोना सब कुछ भूल गया और वो चुटकी बजाते रहे। लोगों ने मना किया किंतु माने ही नहीं, कज भाई उनको कबा जाए कोई ठीक नहीं, मैं तो बाहर बैठा हूँ। अंत में सब लोग जा करके रामचंद्र जी से कहा जी कोई उपाय कीजिए, ये तो हम लोगों को कोई सेवा ही नहीं करने देता, तो तुम लोग इसको कोई सेवा दे दो नहीं तो ये ऐसा ही करेगा। अंत में हनुमान जी को भी सेवा दी गई, तब कहीं जा करके मामला सुलझा। कभी कभी सीता जी एक बार चली गई बाथरूम में श्रृंगार भवन में, और श्रृंगार स्नान करने के बाद में 16 श्रृंगार करके सिंदूर लगाया यहाँ, उसी समय सीता जी को खोजते हुए हनुमान जी कहाँ सीता जी गई, स्वामिनी जी मेरी किधर गई, खोजती खोजती श्रृंगार भवन में पहुंचे। मैया ये क्या कर रही हो? तो ये सिंदूर लगा रही हो किस लिए? तुम्हारे प्रभु जी जीवित रहेंगे और सुखी रहेंगे इसलिए सौभाग्य का चिन्ह हम लोग लगाती हैं। ठीक है, लगा करके वो चली आई रामचंद्र जी के पास में बैठ गई और हनुमान श्रृंगार भवन में पहुंच करके सारा सिंदूर सारे शरीर में लगा लिया, सभा में पहुंचा, सभी लोग हंसने लगे, राम हंसने ये तुमने क्या किया? तो मैया सीता जी यहाँ लगाती हैं आप जीवित और सुखी रहने के लिए, तो मैं सौ अंगों में लेपन इसका करता हूँ कि आप सुखी रहे। इस तरह से बहुत उनकी सेवाएं हैं। किंतु हनुमान जी में एक बात है, अपना कोई झूठा चीज राम को नहीं दे सकते, उनकी सज्जा पर बैठ नहीं सकते, जहां सीता जी रहेंगी वहां पर नहीं जाएंगे, इनके लिए संभव पर नहीं है। इच्छा करने पर भी आलिंगन नहीं कर सकते, रामचंद्र जी इनके सिर पर हाथ रख करके आशीर्वाद देंगे बस। किंतु इनसे श्रेष्ठ लोग है पांडवों की सेवा। कैसे सेवा श्रेष्ठ है? माधव महाराज जी संक्षेप में बतलाएंगे, यू शुड एक्सप्लेन। गुरुवे गौरचंद्र नारी गाय नारे कृष्ण हे कृष्ण भक्त हे भगवत हे नमो नमः। सो फॉर द लास्ट फ्यू डेज वी आर हियरिंग ऑफ द डिवोटीज एंड देयर ग्रेडेशंस ऑफ सर्विस। We heard yesterday how Ambarish Maharaj is superior to Prahlad because he engaged in service, while Prahlad as a Gyani Bhakta did not engage in service to his Ishtadev. But superior to Ambarish Maharaj, who is a Sadak, is Hanuman. Why? Because Hanuman, he is Bal Brahmachari, lifetime celibate, since boyhood. He has no wealth, no family, no wife, no children, even he has no place to stay. All his energy and all his mamata, his feelings of possessiveness, are directed only towards Sri Ram. If Ram is hungry, then Hanuman moves in the forest and collects fruits and roots. If Ram is thirsty, he brings water for Sri Ram. And even he carries Ram as a carrier. When he knew that his Prabhu's wife had been stolen by Ravan, then he jumped across the ocean to Lanka and burned it to ashes.
And he said to Sita, you come on my shoulder, I will carry you back to Ram. Then Sita said, my son, that is not possible. Ram will have to come here. I cannot touch any other man. So Ram will have to come here and rescue me. Therefore, what services Hanuman performs? Sometimes he becomes the general of Ram's army. When Ram and Lakshman were wounded by the weapons of Meghna, then Hanuman made his tail into a fort and himself stood at the guard, at the doorway as a guard. He used his tail to protect Ram from the sun. And when Ram and Lakshman were injured, it was he who went to the Himalaya to bring back the Sanjeevani Oshadi. And he carried the whole mountain to save Ram and Lakshman. Therefore, one time, Bharat, Satrughna, Sita, everyone met together and said, Hanuman is taking all the Seva to Ram. We have no chance. Therefore, they made a plan how they would take all the Seva and put Hanuman outside. Therefore, Hanuman had no service. Therefore, Hanuman requested, give me one service. Then Hanuman thought, I'll take the service which no one does. What is that? In India, when someone yawns, then they go, Jai Sri Ram. Otherwise, some ghost or some inauspicious thing may go in someone's mouth. Therefore, Hanuman said, when Ram yawns, then I'll click my fingers. Jai Sri Ram. But one thing is, Bhagawan never yawns. Therefore, and Hanuman was outside. Therefore, when Ram will yawn, he doesn't know. Therefore, he was always Jai Sri Ram, Jai Sri Ram, Jai Sri Ram. And Ram began yawning. Hanuman was doing continuously, therefore Ram could not eat, could not drink, could not sleep, could not do anything, because Hanuman was always clicking his fingers outside. Then finally everyone tried to stop Hanuman, but Hanuman would not stop. This is my only seva, and I am not inside, I cannot see when Ram is yawning. So finally, Ramji suggested, you have to give Hanuman some seva, otherwise he will never stop. Therefore, this is the service attitude of Hanuman. One time, Sita Devi, she went inside her Shingha Bhavan, where the ladies decorate themselves. Therefore, Hanuman was searching, where is my Swamini, my mistress? Then he looked and saw Sita Devi was putting some red sindu, some red mark here on her forehead. Then he asked, oh mother, what is this mark doing? He said, oh, this gives your Peru a long life. It's like when the husband is alive, then the lady puts this red sindu on the part of the hair to keep her husband alive. But by this, Ram will have a good fortune and he will live a long time. And Hanuman thought, this is a very good idea. So when Sita Devi went back, then Hanuman took the whole pot and mixed with oil and covered on his whole body from head to toe. Then Red Hanuman, he came into the meeting assembly and everyone began laughing. Even Ramchandra asked, Prabhu, what astonishing form you have here. Why have you done this? And he said, if Sita Devi, just by putting a little bit here, can give a long life and good fortune to Ram, imagine what will happen if I cover my whole body from top head to toe. So we have Hanuman is there. You see everywhere, all the temples of Hanuman, now even Hanuman is that red color. So Hanuman has such feelings towards his Lord. But there is some, we should say, lacking in Hanuman, some problem. What is that? He cannot feed his remnants to Ram. He cannot sit on the same seat as Ram. We always see Hanuman sitting at the feet of Ram and massaging, because the monkey's hand is very soft. Also, when Sita is with Ram alone, that time Hanuman cannot go there, even though he has desire. Therefore, he cannot embrace Ram. Therefore, superior to Hanuman are the Pandavas. Ram can give blessings to Hanuman, but more than that, he does not do. Therefore, superior to Hanuman is the Pandavas. And we'll hear from Prabhupada Lala Maharaj the glories of the Pandavas. In brief. Om Ajnanati Mirandhasya Gyananjana Salakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Vanchakalpatarubhascha Kripasindu Bhayevacha Patitanang Pavanebho Vishnavebho Namo Namaha Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. As the Gurudev order to discuss about Pandavas, just you have heard from Srila Gurudev, all the Hanuman serving Lord Ram so many ways, but
He could not give his remnant, could not sit on the bed of Lord Ram, could not eat some same plate. So Pandavas, they are prematur bhakta. So they are more advanced than Premi Bhakta Hanumanji. So if you give some example, then you can get one clear conception. Among Pandavas, Arjun and Draupadi are prominent. When Mahabharata battle took place, then Krishna became charioteer of Arjun. And Hanumanji, Krishna ordered Hanuman to be on the top of Arjun's flag. Whenever a calamity comes, then you have to roar so loudly, then the opposite party can fly up from here. So whenever any danger comes, then always Hanuman protect Arjun. So in one hand he is serving Lord Ram, and here he is serving the devotee of Krishna. And Arjun told to Krishna, Senayo Ubhayar Madhye Ratham Sthapayame Achyuta. Arjun told, oh Krishna, please take my chariot in between two soldiers. I want to see the armies. Who is fighting from which side? And prior to that, Krishna and Baladev has one very darling sister, Subhadra. And Baladev Prabhu taught club fighting both Duryodhan and Bhim. So Baladev Prabhu won that Subhadra will marry with Duryodhan. But Duryodhan was dead against of Pandavas. So Krishna told to Arjun that you have to kidnap Subhadra. And how to do that? Krishna made all conspiracy and told to Arjun. When Subhadra Devi, according to Vedic tradition, before marriage, the bride will come and do pranam to Devi and pray to Devi. So when as Subhadra entered in the demigod's temple, Arjuna was ready in form of a sannyasi. How he came, Avedi came before to that, in disguise of sannyasi, Baladev Prabhu went to there, did pranam, all queens, they did pranam to him and take blessings, nobody knows. Even Baladev Prabhu, non different from Krishna, he is also Bhagavan. By the influence of Jagmaya, he could not understand anything. As soon as Subhadra went to the demigod's temple, then Arjuna kidnapped her and Ratha was there. Because Subhadra went by chariot. And not only that, Arjun told to Subhadra to hold the reins of the horse and drive the chariot. The guard was with Subhadra, and they informed to Baladev Prabhu and Krishna, that sannyasi is not sannyasi, he was disguised as Arjun, he kidnapped Subhadra, this is present hamper for our dynasty, what to do? Hearing this, Baladev Prabhu very angry and told Krishna, let us go. That sannyasi was not sannyasi, he was fake sannyasi. He kidnapped our sister. But Krishna calm and quiet, nothing challenge. You are not going, I am going ahead. And order to all soldiers. Then Krishna told, my dear brother, why you tell that Krishna, Arjun kidnapped Subhadra? I think that Subhadra kidnapped Arjun. Look, who is driving the chariot? Really, Subhadra was driving the chariot? Okay, if you kill Arjun now, we are bound, you are so much powerful, can do that. So, you love Subhadra so much, when Subhadra kidnapped Arjun, that means she gave her heart to Arjun. That means marriage took place. If you kill Arjun now, your sister will widow, you lie, that your sister will widow for whole life. Then, Baladev Prabhu told, Krishna, if you desire, why not tell us before? See Krishna's desire, Baladev Prabhu became calm and quiet. And once Arjun and Krishna were sleeping in the same bed in Indraprastha. Narad Rishi is always playing on a Veena and traveling from one planet to another planet and playing on Veena. Sriman Narayana 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 Sriman Narayana Narayana Narayana. Then he landed to Indraprastha. And he went direct to Arjun's bedroom. He found that Arjun and Krishna both are sleeping same bed. Not only that, Krishna's lotus feet going towards Arjun's chest and other side
Subhadra and Draupadi fanning Krishna's lotus feet. Other side, Krishna's feet going towards Krishna's chest and Rukmini and Satyabhama fanning his feet. Both are sleeping on the rope from the pore of Krishna, Arjuna's body. Krishna, Krishna, Krishna is coming out. How much intimacy with them? But Hanuman could not do that. And although Krishna is doing all these things, not only serving Arjuna, even he is serving his horse also. But as soon as Arjuna saw universal form of Krishna, then he told, Sakheti matta prasabhamja duktam. Oh Sakha, I told you, my dear friend, do this, do that, please excuse me. Sishasteyam sadhimam tam prapannam. I am your disciple, please punish me. As soon as he saw the universal form, the opulent mood, then his intimacy gone away, far away from him. And when Mahabharata battle was going on, then so many soldiers already killed. Now battle in last moment, in last point, Duryodhan entered in a big pond. And the predominant deity of that pond told Duryodhan, don't come out. I'll make your whole body more than thunderbolt. Then even beat you so much, you will not die. In the bank of the pond, Bhim and Arjuna all went there and abusing him so much. When they're abusing, then what happened? Duryodhana could not tolerate. He came out and told, okay, now we can fight each other. And Duryodhana told that the Yudhishthira told, yes, yeah, Yudhishthira, Bhim, Arjuna, you can choose anyone. He said, oh, my elder brother, what you are telling? Can you fight with him with club? Can Arjuna fight with him club? Duryodhana told, okay, fight will arise, king between king. Now Krishna told, now, Yudhishthira, bhaiya, what will you do now? Then she told, oh Yudhishthira, you can tell, Bhima is our king. Then Yudhishthira told, Bhima is our king. Okay, then you have to fight with Bhim. Then Duryodhana told, okay, if Bhima is your king, then you have to do pranam to him, because subject have to pranam to king, and Yudhishthira Maharaj is so great, if he do pranam to junior to him, their head will be cracked and finish immediate. Duryodhana became very happy, okay. As soon as he'll do pranam, then his head will open up and finish, then I'll be winner. Then Krishna told to him that I am going behind of Yudhishthira, for me you can do pranam, not to Yudhishthira. He did so, and he did. Krishna take his pranam. By this way, Krishna saved them. So many, when they are in forest for exile, one day, Durvasa Rishi came to Duryodhana. Duryodhana feed him very nicely and please him, and told, Varam Grihi, Varam Grihi. He told, oh, Munivar, I am so worried, I am so sorry. My brothers, they are living in the forest, so many calamity they are facing. So, if you want, please on me, please go to my brothers and be their guest. But one condition, go after 3 p.m. Okay. But Durvasa's character is always glorify devotees, but indirect way. Just like glorify Ambarish Maharaj, you've heard yesterday from Samrani Didi. So Durvasa went there, along with his 60,000 disciples, and going there telling, oh Maharaj Yudhishthira, at that time, they are in Braj, Bimalakunda, huge sarovar, pond. I am with my 60,000 devotees, you have to feed me today. This one became very happy, okay, no problem. Then, okay, I am going to take bath, I am coming very soon. Yudhishthira Maharaj told, oh, how we can do that? Even if you could not feed him, then he will curse us and turn into ashes. Then, discuss with the brothers, Bhima and Arjuna told, let us go to Draupadi. Because Draupadi had one pot donated by sun god, unless until he will not eat and not clean the pot and keep upside down, then he can feed the whole universe. Duryodhana knows this thing. So he told, you have to go after 3 p.m. So then Draupadi and Yudhishthira Maharaj all are discussing. Draupadi, today I am sorry, I cannot do anything today. But I have already taken my prasad and he cleaned the pot and keep upside down. Then what to do now? Then Yudhishthira Maharaj told, oh Draupadi, better you can remember Krishna. If you remember Krishna, Krishna bound to come immediate. But if we call it, take too much time.
As soon as Draupadi Devi called out for Krishna, Krishna without delay appeared there and told, "Oh Draupadi, I am very hungry. Feed me something. I am very hungry." Draupadi told, "Oh Prabhu, for whom I am calling and you are making another problem? Please listen to me." "No, no, no, I have no time. Please feed me something first. Then I will listen." Then Draupadi told, "Oh Prabhu, I have eaten already and I have cleaned my pot." "Okay, bring your pot." Draupadi brought her pot and Krishna found one piece of spinach. Krishna took in his mouth and drink water. "Triptosmi, triptosmi, I am satisfied, I am satisfied. Tosmin tuste jagat tustam prinite prinitam jagat." If Krishna is satisfied, whole world is satisfied. If Krishna has no hunger, nobody has no hunger. Then, okay, Dr. Bhim, go and call Dhruvasa Rishi. Bhim took his glove and Krishna told, "Took his glove with you, don't go empty handed." Took his glove, his mustache. "Oh receiver, oh receiver, please come, we are waiting for the prasad." When Krishna took that spinach and drink water and got satisfied, the stomach of the all rishis became completely full. When they saw Bhim is coming with club, and oh my God, if we will not go, then we will crack our head. From there, they ran away from water and from sky. By this way, Pandavas helped by Krishna, and Krishna served them, and they served Krishna. So they are more greater than Hanuman. So they are living same bed, eating from same plate. So after that, we will listen from Srila Gurudev Lotus Leaf. Hare Krishna. Pancha Kalpata Rupas Chatipa Sindhu Bhaye Vacha Patitanam Kavane Kho Vaskari Bhodhanam. इसलिए पांडव लोग की सेवा हनुमान जी से भी अधिक है। कृष्ण उनके नौकर बन जाते हैं, हनुमान जी को भी नौकर उनका बना देते हैं। किंतु एक बात है, यदि कृष्ण ने उनको विश्व रूप दिखलाया महाभारत के युद्ध में, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, जय प्रभो, आज से आपको सखा नहीं कहूंगा, अपना सारथी नहीं बनाऊंगा, आप तो विश्व ब्रह्मांड के रचयिताओं के भी रचयिता हैं, हमने आपको जो सखा कहा है, आपके चरणों में जो अपराध मैंने किया है, आप क्षमा कीजिए। इसलिए उनको गौरव बुद्धि आ जाती है और भक्ति दूर हो जाती है। इसलिए इनसे भी श्रेष्ठ जादो लोग हैं, और उन जादों में भी श्रेष्ठ उद्धव जी हैं। उद्धव जी कृष्ण के छोटे भैया हैं, उनके मंत्री हैं, उनके सेनापति हैं, उनके सुहृद हैं, बंधु हैं, सब कुछ उनके हैं। कृष्ण की छाया की तरह में वो रहते हैं और कृष्ण की सेवा करते हैं। जब कृष्ण को ब्रज में जाने की बात हुई तो देखा जे और तो कोई योग्य नहीं है जिसको मैं और अपना प्रतिनिधि बना करके वृंदावन में भेजूं। मेरे मैया पिता माता हमारे विरह में मर रहे हैं, उनसे भी अधिक गोपियां हमारे विरह में छटपटा रही हैं, मैं ही उनका एकमात्र जीवन हूं, तो उनको सांत्वना देना जरूरी है। किंतु किसको भेजूं? सब प्रकार से विचार किया, उद्धव ही ऐसा हो सकता है। इसलिए उद्धव को बुला करके उनसे कहा, कुछ और भी इसके बीच में रहस्य की बात थी। वो रहस्य की बात ये, कृष्ण ने देखा हमारे विरह में गोपियां छटपटा रही हैं, माता जी भी छटपटा रही हैं, किंतु एक दूसरे को वो सांत्वना भी देती हैं। राधिका जी विरह में जब छटपटाती हैं तो ललिता विशाखा उनको सांत्वना देती हैं, जो यशोदा मैया को पास पड़ोस की महिलाएं भी सांत्वना देती हैं, किंतु कृष्ण गोपियों के विरह में मैया और सखाओं सबके
विरह में जब छटपटाते हैं तो किसी से भी अपने दुख को बांट नहीं पाते। इसलिए सोचा आज उद्धव को मैं ब्रज में भेजूं और जहां पर हमने प्रेम की का पाठ सीखा है उसी पाठशाला में उसी विद्यालय में इसको भेजूं और वहां पर जाकर के ये प्रेम क्या है ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ा सुपंडित हो। यह ढाई अक्षर ही प्रेम है किंतु इसको जानने से कृष्ण को भी वशीभूत किया जा सकता है, ऐसा ये प्रेम है ढाई अक्षर का। तो उसको भेजूं वहां, जब वहां से पाठ पढ़ करके आएगा प्रेम किसे कहते हैं तब ब्रज का प्रेम के विरह में कैसे मैं छटपट हूं, गोपियां कैसे छटपट करती हैं यह जान सकेगा और तब मुझसे मैं अपने दुखों को कहने से वो हमको सांत्वना दे सकता है। असल बात ये थी, वो जानते थे कृष्ण उद्धव को ब्रज में उनको सांत्वना देने के लिए भेजूंगा किंतु वो तनिक भी सांत्वना उनको नहीं होगी और उनका विरह का ज्वर अग्नि बढ़ती चली जाएगी। फिर भी भेजा। एक समय अपने छत के ऊपर में उत्तर दिशा की तरफ में वृंदावन को देखा कृष्ण जब संदीपनी मुनि के पाठशाला से लौटे और देखते ही ब्रज की याद आई, गौओं की याद आई, सखाओं की, माता पिता और गोपियों की, रोने लगे। उद्धव जी खोजते खोजते वहां गए तो देखा जी कृष्ण रो रहे हैं। उद्धव जी ने पूछा जी भैया तुम क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा तुम ब्रज में जाओ, तुम योग्य हो, वहां जा करके हमारे माता पिता को सांत्वना देना, विशेष करके गोपियां हमारे विरह में अत्यंत प्रमत्त हैं, वे हमारा बिने जी नहीं सकती। बस मैंने कहा था आते समय में कि मैं परसों लौट आऊंगा, कल नहीं तो परसों जरूर लौट आऊंगा, इसीलिए मैं जीवित हूं, गोपियां जीवित हैं, नहीं तो कभी की मर जाती, और नहीं मरती हैं इसलिए मैं तो कभी मरता नहीं, इसलिए उन्होंने अपने प्राणों को हमारे अंदर में रख दिया है इसलिए वो मरती नहीं है। उद्धव जी को कहा, उद्धव जी जाने लगे, अपने सोने का रथ उनको दे दिया, चढ़ा करके ब्रज में भेजा। ब्रज में गए, ब्रज में जाने पर शाम का समय था, देखा गायें बछड़ों के लिए रंभा रही रही, घोष लोग अरे दधी दूध भांड ले आओ, कोई कहता है बछड़े को छोड़ दो, इस तरह से देखा जे कृष्ण के समय में जैसे लीलाएं होती थी ठीक वैसे ही हो रही है। सांड गायों के लिए लड़ रहे हैं और गोपियां घर में दीपक जला करके गोविंद दामो दर माधवेती ये गा रही हैं, मानो कृष्ण ब्रज में हैं। थोड़ी देर के बाद ही मैं देखा वो दृश्य समाप्त हो गया, कृष्ण के विरह में ब्रज सुना देखा, कहीं भी प्राणों का स्पंदन नहीं है देखा। इसके बाद में नंद बाबा के दरवाजे पर गए, नंद बाबा को खबर मिली, आए उनका फिर नंदन करके घर में ले गए, देखा जे उद्धव तो सवेरे से चला है, कुछ खाया नहीं, मैया जसोदा तब रसोई बनाती नहीं किसके लिए बनाएगी, और कृष्ण के विरह में अंधी हो गई हैं, उनके जो पात्र थे रसोई के वो सब औंधे पड़े हुए हैं, चूल्हे पर मकड़ों ने जाल बना दिया, रसोई बनती नहीं घर में। नंद बाबा ने एक ब्राह्मण को बुला करके कहा अपने घर से खीर बना करके लाओ, वो भी खीर बना करके लाया, चीनी थी नहीं उसके घर में, ऐसे ही उद्धव जी को भूख लग रही थी खाए। वे जब शांत हो गए तो बाबा उनसे पूछना चाहते हैं कृष्ण कैसा है, हमारा बेटा कैसा, किंतु गला भरा आता है
आंखों में आंसू भर जाते हैं, पूछ नहीं सकते। बड़ी मुश्किल से रोक करके उन्होंने कहा, ओ बड़े सौभाग्य की बात है, हमारा भैया वसुदेव, उसके पुत्र हुए जितने सबको मारा अंतिम, उसने कंस अपने पापों से मारा, कृष्ण ने नहीं मारा, अच्छी बात हुई। इसके बाद ने बोले, किसी प्रकार से धैर्य धारण करके, मेरा कृष्ण कैसा है? और कहते ही आंखों में आंसू भर गया, गला भर गया। कहते हैं कि मैं कृष्ण को भूलने के लिए जमुना के तट पर जाता हूं और वहां वो स्नान करता था और सखाओं के साथ में खेलता था, मुझे और भी कृष्ण का स्मरण आता है। गोवर्धन पर जाता हूं, उसकी चरण की चिन्हों को देखता हूं, ऐसा कोई पेड़ नहीं है जिसके नीचे रहकर वो खेलता नहीं था। फिर वहां से दूसरी जब जाता हूं भूलने के लिए, ब्रज में कोई स्थान ही नहीं है जहां पर कृष्ण को भूल सकूं। जब खूब रोने लगे तो उद्धव जी सोचने लगे, जी कृष्ण ने भेजा है, संतना तो देनी चाहिए। बोले, नंद बाबा, आपको कृष्ण में इतना प्रेम और ममता है, आप धन्य हैं और यशोदा जी धन्य है, महान भाग्यवान दोनों हैं। नंदा जी बाबा बोले, अरे क्या कह रहे हो? मैंने सोचा जे कृष्ण के साथ में रहने से तुम्हारी कुछ बुद्धि आ गई है, किंतु तुम्हारे अकल के दांत भी नहीं टूटे। अरे तुम सोचो तो सही, जिसको मैं अपना केवल पुत्र ही मानता था और वो यदि भगवान हमारे घर में बेटा के रूप में आया और उसने देखा इसको ममता प्रेम नहीं है, तो हमारे घर को छोड़ करके दूसरी जगह चला गया, हमारे जैसा दुर्भागा जगत में कौन जन्म लिया होगा? देखो जगत में एक ही पिता था, वह था महाराज दशरथ, अपने बेटे से प्रेम था। जब वो वन में चला गया तो वो हाराम हाराम, बस तीसरी बार हाराम नहीं निकला, प्राण निकल गए। मैं कृष्ण हमारे घर से चला गया, मथुरा में चला गया, मैं अभी तक जीवित हूं, यह हृदय पाषाण का बना हुआ है, क्यों जीवित है मैं नहीं समझता। इस प्रकार से कहकर के विलाप करने लगे और सारी रात बीत गई। सवेरा हुआ, उद्धव जी ने स्नान किया, पास ही एक तालाब है उस समय का, अब उसका नाम कृष्ण कुंड हो गया है। स्नान करके आचमन करके और अन्न ही करने लगे, मंत्र जपने लगे। इतने में देखा क्या, बहुत सुंदर कदंब के वृक्ष हजारों हैं, उसकी कारिया क्यारिया हैं, बड़ी सुशीतल छाया है। उसमें उन्होंने कुछ गोपियों को देखा, वो अपना कार्य समाप्त करके अन्निका उसकी तरफ में बढ़े, गोपियों की तरफ में। गोपियों ने उद्धव को देख करके कहा, ये कौन है जानती हो? दूसरी ने कहा, हाँ जानती हैं, ये कृष्ण का दूत है। कैसे जानी? आंखें भूल कर सकती है किंतु नाक भूल नहीं कर सकता। कृष्ण का ये माला पहन करके आया है, उनका पीताम्बर पहन करके आया है, उनके कपड़ों को उसे कृष्ण की गंध आ रही है, मैं कृष्ण के गंध को पहचानती हूं। दूसरे ने कहा, अरे सखी ये आया क्यों? उसने कहा, नहीं जानती, ये यहां का पथ भूल गया है, जाना चाहिए था माता पिता के यहां, हम लोगों से तेज का कोई संबंध नहीं, और था तो वो तो टूट गया, उसने छोड़ दिया, हमने भी छोड़ दिया, किंतु माता पिता का संबंध रक्त से संबंधित होता है, वो कदापि छूट नहीं सकता। एक ने कहा, अरे देखा
सोने का रथ में चढ़ा करके आया है, दूसरे का नहीं जानती हूं किस लिए आया है। कंस मरा गया है ना, तो उसके लिए पिंड देना है, 13वीं में पिंड देते हैं, पिंड देना है। तो यहां मथुरा में तो कोई पिंड नहीं मिला, यहां पर सब गोपियां मरी हुई होंगी ये सोच करके उनका हृदय पिंड निकाल करके ले जाने के लिए आया है। उद्धव जी ने कहा है, मैं रथ में सोने के रथ में चढ़कर के आया क्यों, क्यों आ, मुझसे बड़ी भारी गलती हुई। फिर एक कहती है, उद्धव ये बतला सकते हो, एक स्वार्थमय प्रेम होता है, एक निस्वार्थमय प्रेम होता है। पहले औपाधिक प्रेम के संबंध में समझो, स्वार्थ वाला प्रेम। एक भिक्षु किसी के घर में जाता है, राधे राधे, और भिक्षा मिली चक चला। यदि गृह स्वामी कहा जाए दो चार कीर्तन सुना दो, भाई अभी समय नहीं है, हमको बहुत काम जाना है, चला जाएगा। एक विद्यार्थी गुरु के यहां पढ़ा, पढ़ करके पूरा पंडित हुआ, जब स्कूल छोड़ दिया, पाठशाला विद्यालय, और गुरु को प्रणाम करने के लिए भी नहीं जाएगा। एक वेश्या पुरुष से खूब प्रेम करती है रुपए के लिए, जब देखती है कि वो निर्धन हो गया, सारा रुपया मेरे पास आ गया, तो दूसरे के पास चली जाती, उसको प्यार नहीं करती। एक वन जंगल में एक हरे पेड़ पर तोते इत्यादि सब पक्षी रहते हैं, पेड़ जल गया अब उसमें, या फल फूल नहीं रहा, पत्ते भी दूर हो गए, सूख गया, अब नहीं बैठेंगे। जंगल में हिरण इत्यादि पशु रहते हैं, जंगल जल गया, फिर कभी भी नहीं आएंगे। पुरुष स्त्रियों से बहुत प्यार करते हैं, अपनी पत्नी से भी, पत्नी जल गई, कुरूप हो गई, झट दूसरी शादी कर लेगा, ये स्वार्थमय प्रेम है। ट्रांसलेशन अनुभव। हाँ देखो, और हमारा कृष्ण से तो कोई स्वार्थमय प्रेम नहीं था, वो भी हमको प्रेम करते थे निस्वार्थ रूप में, हमने उनसे कभी कुछ मांगा नहीं, कपड़े लत्ते भोजन कुछ नहीं मांगा, निस्वार्थ प्रेम। ये कैसे टूट गया उद्धव? उद्धव सिर खुजलाने लगे, नहीं उत्तर दे सके। विद्यालय में भर्ती होने के लिए गए थे, ये परीक्षा हुई एडमिशन के लिए, उनको अब नहीं परमिशन मिला, केवल विद्यालय को देखा, दूर से उसके प्रोफेसरों को देखा, ललिता विशाखा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ये को देखा, और प्रिंसिपल राधा जी को भी देखा, थोड़ी सी महिमा समझी, किंतु ब्रज के कुछ भी नहीं हो सके, घास भी नहीं हो सके, अंत में लौटना पड़ा था। हाँ, ट्रांसलेशन।